शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं जानता था कि ये साला फेंक रहा है। पीस, तू इतने देर से हमें बेवकूफ बना रहा था? अपनी बीवी पर ड्रॉप जमाने का झूठा नाटक कर रहा था तो? क्या जरूरत ये सब करने की मेरे दोस्त? क्यों? मेरे झूठ का कि मेरी बीवी मुझे स्पेस देती है। अरे मेरी बीवी तो स्पेस में घूमती है, उस सैटेलाइट की तरह है जो 24 घंटे में सर पर मंडराती है और मुझ पर नजर रखती है। इतनी बड़ी चिपकू है कि अगर फेविकॉल वालों ने देख लिया ना तो उसे स्पॉन्सर कर देंगे। हम जब थिएटर में पिक्चर देखने जाते तो हमारी दो सीटों के आगे के दो, पीछे के दो, दाएं के दो, बाएं के दो सारी सीटें बुक कर लेती है ताकि गलती से भी कोई खूबसूरत लड़की मेरे पास ना आके बैठे। दोस्त ये जो मेरे चप्पू बाल है ना, ये कोई नया स्टाइल नहीं है दोस्त। पीपल के पेड़ के नीचे के गटर के पास बैठे बिरजू ना ही से कटवाए मेरी बीवी ने ताकि मेरी लंबी लटों को देखकर कोई सुंदर लड़की मेरे प्यार में लंबी ना हो जाए। दोस्तों, मैं वो बंदर हूँ जिसे पिंजरे में ना सिर्फ रखा गया है बल्कि पिंजरे के अंदर के पेड़ से बांधा भी गया है। मत रो यार, तेरी बीवी 24 घंटे कम से कम तेरे पीछे सैटेलाइट की तरह लगी रहती है। मेरी बीवी को शंकर किशोर और पवन से टाइम मिले तो मेरे पीछे भागे ना। क्या तेरी बीवी का इन तीनों के साथ अफेयर चल रहा है? अबे नहीं रे, मैं शंकर भगवान, किशन कन्हैया और पवन पुत्र हनुमान की बात कर रहा हूँ। उसे छूने के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी मंदिर में खड़ा हूँ, घंटा बजा रहा हूँ। तू तो सिर्फ घंटा बजा रहा है पर मेरी बीवी और उसकी बात तो मेरी पूरी बैंड बजाती है। उन दोनों की माँ बेटी की नहीं, WWF की जोड़ी है। जिंदगी के अखाड़े में रोज मुझे पटक पटक कर धोती है। आज मैं हम तीनों की हालत देख के समझ गया कि ज्यादातर मर्द ही हार्ट अटैक से क्यों मरते हैं। क्यों? क्योंकि औरतों के पास तो दिल ही नहीं होता। ये बीवियाँ परेशान कर करके हम मर्दों को तो मार ही देती है। हमारी जिंदगी में ना ही कोई मजा है, ना ही कोई मस्ती, बल्कि एक ऐसी भेलपुरी है जिसमें चटनी नहीं है, एक ऐसी कुल्फी है जिसमें मलाई नहीं, एक ऐसी दाल है जिसमें तड़का नहीं। रोज वही फीकी सूखी बिना स्वाद वाली दाल खाकर मैं थक गया हूँ। लेकिन जरा सोचो, अगर ऐसी कोई लड़की ने मुस्कुराने के बाद हमसे तो प्यारी बातें करती तो क्या होता, हमसे गले लगती तो क्या होता, हमें चुम्मा देती तो क्या होता। तू बोलना क्या चाह रहा है भाई? वही कि हम सब हफ्ते में सैटरडे संडे बाहर खाना खाने जाते हैं या नहीं? जाते हैं। कभी सोचा है क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि घर का खाना खा खा कर आदमी थक जाता है, उसे भी कभी कभी बाहर की स्पेशल बिरयानी खाने की जरूरत होती है, वरना वही की दाल खा खा कर उसे उस दाल से नफरत होने लगती है। मैं तो कहता हूँ कि हम सब की शादी भी ऐसे ही मोड़ पर है, अगर हमें बाहर की बिरयानी नहीं मिली तो हमें हमारी दाल, मेरा मतलब है हमारी बीवियों से नफरत होने लगेगी। नहीं नहीं नहीं, मतलब कि अगर घर वाली से प्यार और मजा नहीं मिल रहा है तो क्यों ना बाहर वाले को ढूंढ कर पेश किया जाए। Let's have an affair, guys! पागल हो गया ये। अबे सटक गई तेरी। अरे मरवाई काम को चल। मैं कहता हूं कि जिंदगी में मस्ती दोबारा लाने का यही एक तरीका है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब अपनी बीवियों से प्यार नहीं करते, don't get me wrong, we love our wives, लेकिन इस वक्त हमें किसी और के प्यार की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि किसी और के साथ अफेयर करने से हम सबकी शादी सुधर जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर मेरी बीवी को पता चला तो मेरी शादी बिगड़ने के लिए रहेगी नहीं।
अफेयर? ऐसे कैसे अफेयर कर ले यार? अरे अफेयर करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है, लड़की की। ये तू कह रहा है? मी तू बदलता था यार, था। अरे अब भी कुछ नहीं बदला मेरे दोस्त, तू एक बार मैदान में उतर के तो देख। मैदान में जितने भी मेडन थे ना, सब कूद कूद कर तेरे साथ खेलने आएंगी। क्या बात कर रहा है यार? वैसे प्रेम, तुझे सही कहते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पहली बार जिंदगी में तू सही बोल रहा है। ऑलवेज मीत, तू भी पार्टी चेंज। नहीं नहीं, बात तो सुन यार। देख, मैंने सुना है जब एक मर्द अपनी बीवी से बेवफाई करता है ना, तो उसकी गलती का एहसास उसे काटने को दौड़ता है, और उस एहसास की वजह से वो अपनी बीवी से प्यार करने का और उसे खुश रखने की डबल कोशिश करता है। हाँ, और शायद प्रेम की बात मानने से और किसी लड़की के साथ अफेयर करने से हम भी अपनी बीवियों से ज्यादा प्यार करने लगे, यू नो। हाँ हाँ, कितनी कमीनी फिलॉसफी है तुम्हारी यार। बिल्कुल सही फिलॉसफी है। हाँ? तो आज एक फैसला करते हैं, आज से लेकर अगले एक महीने तक हम लोग घर की दाल नहीं खाएंगे। करेक्ट। और एक ऐसी रेस्टोरेंट ढूंढेंगे जिसमें हमें बिरयानी भी मिले और बोटी भी। यस। और एक महीने के बाद दोबारा मिलकर एक दूसरे को बताएंगे कि हम लोगों ने कितनी बार और कितने मजे से बाहर का खाना खाया। लेकिन अबे क्या लेकिन, तू इतना फट्टू क्यों है रे? कम ऑन अमर, पिंजरे से बाहर निकल और जंगल का राजा बन। राजा तगड़ा। बिंदिया का फोन। मैं तो बोलता हूँ फोन काट। हाँ अमर। क्या? काट दे फोन, वरना ये फोन अगले एक महीने तक तेरे रास्ते का काटा बनकर तुझे चुभेगा। काट। लेकिन कैसे काटू यार? काट मेरे शेर काट। कम ऑन अमर, हिम्मत कर, काट दे फोन। चैन कुली की मैन कुली की चैन, चैन कुली की मैन कुली की चैन, चैन कुली की मैन कुली की चैन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning. Hi. Good morning, sir. Good morning. शीतल, एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? जी सर। मैंने पूछा क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? खुश हूँ सर, बहुत 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 खुश हूँ। तो फिर वो प्यारी सी मुस्कान कहाँ है जिसे देखते ही मैंने तुम्हें हंसते हंसते इस जॉब पर रख लिया था? ब्यूटिफुल। अरे डॉक्टर साहब रुकिए तो सही। क्या है? इस दिन भी आप जल्दी भाग गए थे और आपका और प्रेम का ठीक तरह से मिलन भी नहीं हो पाया। जितना हुआ काफी था। अरे डॉक्टर साहब, इतनी छोटी सी मुलाकात में आपने उसके दिल पे इतना बड़ा इम्प्रेशन किया कि पूछे मत। क्या? हाँ, आपके जाने के बाद आपके नाम की माला जप रहा था वो। चेहरे पे क्या लाइट है, बॉडी कितनी टाइट है, वो तो आपका दीवाना हो गया और आपसे मिलना भी चाहता है। क्यों क्यों क्यों? कोई प्रॉब्लम है और आपके हाथों अपना इलाज करवाने के लिए बेकरार है डॉक्टर साहब, उसके लिए अपॉइंटमेंट लूं? हाँ लो। नहीं नहीं नहीं, बिजी हूं बिजी हूं। फुल है फुल है फुल है, सारा महीना फुल है, मेरा मतलब सारी जिंदगी फुल है। डॉक्टर साहब रुकिए, सुनिए मेरी बात। नहीं डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रैम, एनी अपॉइंटमेंट्स फॉर द डे? सर वही फिक्स कर रहा हूँ। सर मिस सक्सेना का फोन है, मैं उसको बता दूं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप काम पे नहीं है। नो, कॉल हर, बुलाओ। क्या? हाँ, आज मैं उसे देखूंगा भी और उसकी बेचैनी और तड़प दोनों को वंस एंड फॉर ऑल मिटा दूंगा। लेकिन सर वो तो एवरेडी बैटरी है सर। इसीलिए तो बुला रहा हूँ, आज मैं चार्ज होने के लिए और करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। रामू, नो मोर डैड, गिव मी रेड। Stop thinking about sex, Subramaniam. काम करो। Sorry. वेंकटेश्वरा, सुंदरी को हमारे पास आने दो। नहीं भगवान, इसके मत सुनना, उसे मेरे पास लाना। ले ले, अब बैठे ना। थैंक यू सो मच। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? एक्चुअली मैं यहाँ आकाऊ, आप मेरी मदद करेंगे ना? एक्चुअली मैं पहली बार खुद खोल रही हूँ ना। अरे मैं तो रोज खोलता हूँ, आपको खोलने में खुशी खुशी मदद करूंगा ना मैं। थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। अरे नो प्रॉब्लम, बस आप जरा ये फॉर्म भर दीजिए और शाम को आकर पासबुक और चेकबुक लेके जाइए। शाम को?
Oh God, actually शाम को मेरे husband out of India जा रहे हैं, you know, तो मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहूँगी. मस्ती. बिल्कुल अकेली? तो फिर आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं. Passbook और checkbook लेकर मैं अपने घर आ जाऊँगा रात को. Really? Of course. How sweet. आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाएंगे? अरे इसमें तकलीफ ही क्या बात है? ये तो हमारी बैंक की खासियत है. Room to room, sorry, but door to door service. बस आप अपना एड्रेस दे दीजिए. Oh sure, why not? Thanks. Okay. प्रेम बाबू, हमारा वाइफ भी आउट ऑफ टाउन है. किसके साथ? You're right. वेंकटेश्वर. आप अगर मुझे इतना अच्छा खाना खिलाएंगे तो मुझे हर रोज बाहर खाने की आदत हो जाएगी. वही तो मेरा इरादा है कि मैं रोज बाहर का खाना खाऊं. और अगर साथ में खाएंगे ना तो और भी मजा आएगा. आप कितने अच्छे हैं. और अकेला भी. आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी? मेरा अकेलापन दूर करना. कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? शीतल, जितने सपने देख लिया ना अभी देख लो, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें ना ही सोने दूंगा और ना ही सपने देखूंगा. मैं बस यूं गया और यूं आया.